हम विशेष आत्माएं हैं। हर पल सोच रहे हैं, हमेशा एक बात याद रखनी है हमें, ज्ञान, मैं बार बार आपसे बात करता हूं, ज्ञान सुनने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बाबा कभी नहीं पूछते बच्चे सुना, बाबा हमेशा पूछते बच्चे समझा समझा। समझना महत्वपूर्ण है, समझ में आ जाएगा तो प्रयोग में आएगा, समझ में नहीं आएगा तो प्रयोग में भी नहीं आएगा। आप चेक करो, जितनी बातें आपको समझ में आती हैं वही आपके यूज में आती है, और जब तक आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप क्या बोलते हो, मुझे समझ ही नहीं आया मैं कैसे करूं, ये मुझे समझ में आ गया तो मैंने कर लिया। इसका मतलब करने के लिए क्या जरूरी है, पहले समझना। इसलिए बाबा की हर बात को समझना है, क्या कहना चाहता है भगवान, बाबा की हर बात के फायदे क्या है लिखने हैं। जब भी आप कोई पॉइंट सुनते हो उस पॉइंट पर ये विचार करो, इस पॉइंट के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों बोला है भगवान ने। जैसे आज हमने बात की कि बाबा ने कहा देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारे, मैं हमेशा इस बात को सोचता था बाबा को इतना टेंशन क्यों होती है संबंधों की, बाबा क्यों कहता है कि भाई ये देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। मैं सोचता था क्या चक्कर क्या है भाई, अब जब रहना दे के संबंधों में भूल के कैसे रहूंगा मैं, रहना तो इनके साथ नहीं है। तो बाद में एक दिन ऐसे ही बस बैठा था, चिंतन कर रहा, लिख रहा, समझ आया नहीं भाई जरूरी है ना। अगर बीच में कोई निकल लिया और मेरा उससे दिल लग गया तो क्या होगा, फिर तो फूट फूट के रोएंगे ना। सोच लो, तो कोई अपनी मर्जी से जाएगा, कोई अपने समय पे जाएगा, कोई धोखा दे के जाएगा, कोई बिना धोखा दिए जाएगा, पर जाना सब। इसलिए तो बाबा कहते बच्चे कोई भी संबंध सुखदाई नहीं है कलयुग की दुनिया में, इसलिए सारे संबंध एक मुझ बाप से रखो। मुझसे रखोगे तो सारे संबंध सुखदाई हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि मुझसे संबंध कौन रखेगा, आत्मा, और जैसे ही मैं आत्मा बन गई, मैं आत्मा हूं, वे सब भी आत्मा है, जब सब आत्मा है तो सब समान हो गए। जब तक मैं शरीर हूं तब तक ही तो अंतर है, तभी तक कंपैरिजन है, तभी तक क्रिटिसाइज है, तभी तक इंफीरियोरिटी है, तभी तक सुपीरियोरिटी है। अच्छा बाबा क्या कहता है, मैं सिर्फ आत्माओं से बात करता हूं, मुझे सिर्फ आत्मा ही दिखती है, शरीर दिखते ही नहीं है। इसका मतलब जब तक मैं आत्मा बनूंगी नहीं, बाप को दिखूंगी नहीं। अगर मेरे घर के खिड़की दरवाजे में बंद कर दूं तो सूर्य भले ही बाहर निकला रहे लेकिन सूर्य मेरे घर में तो नहीं आ सकता। तो अगर मैंने खुद को रबड़ समझा हुआ होगा तो रबड़ के अंदर जो हीरा है दिखेगा ही नहीं, और रबड़ बाबा को दिखती नहीं, बाबा तो हीरा देखता है। अब क्योंकि मैं हीरे की स्मृति में नहीं तो मेरी वाइब्रेशन बाबा को पहुंचेगी नहीं। भाई मैग्नेट ही तो मैग्नेट को खींचेगी, अगर मैग्नेट के बीच में प्लास्टिक लगा दी, रबड़ लगा दी, तो मैग्नेट तो आएगी ही नहीं ना पास में, कैसे आएगी। तो अगर दिन में मैं प्रमोद हूं, मैं फिजिक्स लेक्चरर हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं उतना पुराना हूं, ये सब खोपड़ी में है तो देवीमान है, बाबा आएगा ही नहीं। शुद्ध हृदय की जो बाबा बात करता है, शुद्ध हृदय किसका, शरीर का थोड़ी बात करता है, आत्मा का हृदय, आत्मा का हृदय। आत्मा का हृदय क्या है, उसका मन, भावना है, जहां पे पैदा है। समझना है इस बात को गहराई से, जब तक मैं आत्मा हूं बाबा की दया दृष्टि मुझ पर बनी हुई है, जैसे ही मैं शरीर बनी दया दृष्टि गई। अब आपको चेक कर लो, आपको बाबा की दया दृष्टि कितने टाइम के लिए चाहिए, थोड़े टाइम के लिए चाहिए, पूरे टाइम के लिए। इसलिए प्यारी गुलजार दादी जी बोलते हैं प्राण जाए पर खुशी ना जाए, क्योंकि खुश रहूंगी तो आत्मा हूं, और खुश मैं कब रह पाऊंगी, जब मैं सबको खुशी दूंगी, खुशी बांटूंगी तो खुशी मिलेगी, खुशी नहीं बांटूंगी तो खुशी
खुशी मैं कब बांटूंगी, जब मैं सबको समान समझूंगी, सब आत्माएं हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। जहां समानता है वहीं प्रेम है, जहां प्रेम है वहीं एकता है। लव मीन्स यूनिटी। अगर आपके फैमिली में यूनिटी नहीं है, इसका मतलब लव नहीं है, वहां मोह है। अगर मोह है तो एकता हो नहीं सकती, क्योंकि मोह में हम क्या बन जाते हैं, जजमेंटल बन जाते हैं। जिससे मोह होता है उसका पक्ष लेते हैं, और जब आप एक का पक्ष लोगे, जो आपको पसंद है उसकी चार गलती माफ कर दोगे, जो पसंद नहीं है उसकी एक भी गलती माफ नहीं करोगे, तो यूनिटी बिखर जाएगी। लव है तो क्षमा है, प्रेम है तो क्षमा है, और अगर प्रेम नहीं है तो दूसरों की गलतियां दिमाग में आती रहेंगी, इरिटेशन आता रहेगा उनकी गलतियों को सोच सोच कर। प्रेम है तो पता है सबका पार्ट है, ड्रामा कल्याणकारी है, कुछ भी नुकसान होता ही नहीं ड्रामा में। हमेशा पक्की गांठ बांध लो, चीजों के नुकसान के लिए संबंधों को हर्ट नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, क्योंकि चीज तो दोबारा कम जाएगी पर संबंध नहीं। और संबंध को अगर आप संधि विच्छेद करो तो संबंध, समानता का बंधन, समानता का बंधन। और समानता क्या है हमारे और सबके बीच में, मैं भी आत्मा हूं, वे भी आत्मा है, इसके अलावा और कोई समानता है ही नहीं, बाकी सारे अंतर ही अंतर है। हम, हमारा देह का धर्म अलग है, देह की जाति अलग है, देह का नाम अलग है, देह की प्राप्ति अलग है, सब कुछ अलग है, एक ही अंतर है जीवन। फीचर्स अलग हैं, फ्यूचर अलग है, बस आत्मा से एक जैसी है। बाप हमारा एक है, घर हमारा एक है, खानदान एक है। जब इसको याद रखेंगे तो बनेगा संबंध, समानता का बंधन। दैट इज कॉल्ड गुड रिलेशनशिप। अगर मैं किसी भी प्रकार के देह के ऊपर पड़े नामों के बारे में, देह के ऊपर पड़े चिंतनों के बारे में, देह की प्राप्तियों के आधार पर व्यवहार करूंगी तो निश्चित रूप से अंतर आएंगे, विरोध होंगे, गुस्सा आएगा, इरिटेशन आएगा, दुख आएंगे, क्योंकि फिर कोई बड़ा दिखाई देगा, कोई छोटा दिखाई देगा, कोई ऊंचा दिखाई देगा, कोई नीचा दिखाई देगा, कोई अपना दिखाई देगा, कोई पराया दिखाई देगा, कोई गोरा दिखाई देगा, कोई काला दिखाई देगा, कोई स्त्री दिखाई देगा, कोई पुरुष दिखाई। रिश्ता बन ही नहीं सकता जब तक मीठा रिश्ता नहीं बन सकता, क्षमा आई नहीं सकती तब तक जब तक कि मैं खुद को अपने शरीर पर पड़ी प्राप्तियों या झूठी आइडेंटिटीज से अपने आप को संबोधित करती रहूं। बार बार अपने से पूछना है, मैं कौन, मैं किसकी, मैं कहां से आई हूं, अब मुझे क्या करना है। अपने कर्मों को अगर आपको ठीक करना है, अपनी आदत को सुधारना है, ये चार सवाल हर बार पूछो अपने आप से, मैं कौन, मैं किसकी, मैं कहां से आई हूं और मेरे कर्तव्य क्या है। जब ये चार बातें हम हर पल याद रखेंगे, हमारी एक भी आदत खराब होगी नहीं, सारी आदतों को सुधारना शुरू हो जाएगा। मैं हर रोज इसी पर काम करता हूं, हर पल सोचता रहता हूं क्या कर रहा हूं, हर पल सोचना है किसकी नजरों में हूं, मैं सीसीटीवी कैमरे के अंदर हूं, भगवान देख रहा है मुझे, मैं यज्ञ रक्षक, यज्ञ सेवक हूं, यज्ञ का गर्व हूं। अगर ये बात याद रहे हर वक्त, मुझे भगवान, मैं भगवान का विश्वास पा, भगवान ने मुझ में विश्वास किया है,
तो मैं किसी से कड़वा कैसे बोल सकती हूँ जब मेरा बाबा कड़वा नहीं बोलता है? मैं किसी की बुराइयां कैसे देख सकती हूँ जब मेरा बाबा मेरी बुराइयां नहीं देखता है? जब वो मुझे कहता है कि बच्चे ये सब ड्रामा में था, भूल जाओ, बीती को बीती करो। चलिए, आप सब अपने अपने किसी के मन में कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और अपना हैंड रेज करें। जिनको सवाल पूछना है मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। यदि किसी के मन के अंदर कोई भी सवाल है, सुधा बहन है, अभी सुधा बहन का हैंड रेज हो रहा है। सुधा बहन, अच्छा, ममता जी को पूछना है। ममता जी अनम्यूट कीजिए अपने को। जी अजीत भाई जी, जी सवाल पूछिए। हाँ अजीत भाई जी, ये जो आज बाबा ने जैसे अनुभव कराया था, अच्छा लगा, लेकिन पीछे आकर के जैसे थोड़ा लिखने में ध्यान हो गया तो वो अनुभव बहुत थोड़ा कम हो गया था उसको, शुरू शुरू का जो था। तो उसमें भाई जी, जो आज तक मैं ये नहीं समझ पाई थी कि बाप से कंबाइंड का क्या अर्थ है। मैं सोचती थी आमने सामने है, ऐसे है, ये तो आज पहली बार ही सुना है कि बाबा मेरे के अंदर है और मेरे जैसा। ये चीज कॉन्सेप्ट मेरे को आज क्लियर करो कि मैं कैसे इमेज बनाऊं, एक कैसा विजन तैयार करूं कि ऐसे है वो मेरे साथ, ऐसे मेरे हाथ से काम कर रहा है। ये बहुत अच्छा तो लगा लेकिन क्लियर नहीं आया। चलिए, कंबाइंड रूप का अर्थ क्या होता है? देखिए आप, जब हम किसी की यादों में खोए होते हैं, कंबाइंड यहाँ पर कोई कोई फिजिकली चीज को फील ना करें कि फिजिकली कोई कंबाइंड हो। ये कंबाइंड किसका होता है? भावनाओं का कॉम्बिनेशन। हमने क्या किया कि जब बाबा की शिक्षाएं मेरे अंदर आ गई, बाबा की शिक्षाएं मेरा स्वरूप बन गई, तो ये क्या कहलाएगा? इसे ही कहते हैं कंबाइंड हो जाना। यही कंबाइंड स्वरूप, जो कंबाइंड स्वरूप का अर्थ है वो यही है कि बाबा जब मेरे साथ कंबाइंड हो गया, जब मैंने ये मान लिया कि बाबा मुझसे कर्म करा रहा है, बाबा मुझे चला रहा है, तो क्या होगा? मुझसे फिर एक भी काम साधारण नहीं होगा, क्योंकि करा कौन रहा है मेरे से? जैसा जिसकी स्मृति हमारी याद में होती है, यानी कि जिसकी स्मृतियां हम पर हावी हो जाती है, क्या ऐसा बोलते हैं ना भाई, इनके अंदर से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बात नहीं कर रहे हैं, है ना? ऐसा लग रहा है जैसे इनके अंदर से तो इनके पिता बात कर रहे हैं या इनकी माँ बात कर रही है या फलाना व्यक्ति बात कर रहा है इनके अंदर से, तो बिल्कुल उनकी छवि दिख रही है। तो वो कैसे जानता है? वो हमारे हमारे कर्मों को देखकर उसके कर्मों से मैच करता है हमें, और तब वो ये व्यक्ति ये कहता है कि ये तो भैया बिल्कुल जैसे अपने पिता पे गया है, ये तो अपनी माँ पे गया है, ये तो फलाने पे गया है। तो जो ये कहावत है वो इसीलिए कि जब हमने उनके संस्कारों को अपना स्वरूप बना लिया, यही है बाप के साथ कंबाइंड होना। जब बाप का संस्कार मेरा संस्कार बन जाएगा, तो इसको फीलिंग में लाने के लिए हमने क्या किया? ये अभ्यास किया, जैसे कि बाबा बिल्कुल मेरे करीब आ गया है, वो मुझसे टच हो गया है, और अब बाबा अंदर अंदर जो बाबा की शक्तियां हैं, जैसे कि पावर हाउस से मेरे घर का कनेक्शन जुड़ा है तो लाइट मेरे घर में आ रही है, तो उसी प्रकार जब बाबा मुझसे कंबाइंड हुआ तो बाबा की जो शक्तियां थी अब वो मेरा स्वरूप बन गया। तो जब इस फीलिंग को सबकॉन्शियस माइंड बार बार सुनता जाएगा, सुनता जाएगा, सुनता जाएगा, तो जो मुरलियां हैं बाबा की, जो बाबा की शिक्षाएं हैं, वो धीरे धीरे बुद्धि के अंदर टिकना शुरू हो जाएंगी। और जिस दिन बाबा की सभी ज्ञान बुद्धि के अंदर समय पर टिकना और समय पर याद आना शुरू हो गया, उसी दिन दुनिया को हमें रब दिखना शुरू हो जाएगा। कहते हैं इनकी तो सूरत में भी रब दिखता है। ये है कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास। ठीक है, क्लियर हुआ ममता जी? अब अपने को म्यूट कर ले आप। अच्छा, रश्मि बहन पूछना चाहते हैं। रश्मि बहन, अपने को अनम्यूट करें। ओम शांति भाई। ओम शांति जी, बोलिए। मेरा सवाल ये है कि हमें बहुत बार ऐसा होता है कि मुरलियों से हमें अपने जो कुछ भी चल रहा होता है उलझन, उसके सोल्यूशन मिल जाते हैं।
लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि अगर आपको ज़्यादा कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा है कोई चीज़ पे, तो वो आप बड़े भाई या बहन से पूछ सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा आधार ना हो लेना पड़े, क्योंकि बड़े भाई बहन का भी अपना टाइम शेड्यूल है, उनके पास भी बहुत सारे लोग हैं, शायद उनको हर वक्त मेरे क्वेश्चन का के लिए मैं नहीं अप्रोच कर सकती। ऐसा कब हो सकता है कि मुझे अपने सारे क्वेश्चन का मेरे मतलब बाबा से डायरेक्ट ही कनेक्शन से मेरे को वो सारा सोल्यूशन मिले, मुझे बहुत किसी अच्छा का आधार सवाल लेना? आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ऐसा कभी देखिए सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा ने संबंध बनाए इसलिए। ठीक है, ये सोचना मात्र कि केवल मुझे सारे सॉल्यूशंस वो अपने आप आ जाए, ऐसा कभी किसी साथ नहीं होता, क्योंकि चाहे वो कोई भी रहा है ना, सभी सभी जो भी रहे बाबा से तो बात करते ही हैं। लेकिन आप सोच के देखो, हमारी दादियां हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वे भी जब कोई मीटिंग करते हैं, आपस में सलाह करते हैं, कोई सेवा की प्लानिंग होती है, जो बात एक को समझ नहीं आ रही होती है वो दूसरा बता रहा होता है, इसीलिए संबंध बनाए गए, संबंध जो बनाए गए, तो ऐसा हम कभी ना सोचें। ये सोचना भी बेसिकली क्या हो जाएगा, नहीं तो ये कहीं ना कहीं इसे इंडिपेंडेंस से ज्यादा ये कहीं ना कहीं एक ईगो का रूप ले जाएगा कि मैं तो अपना सब कुछ खुद ही कर सकता हूँ। ये बड़ा सूक्ष्म एक ईगो का स्वरूप बन जाता है, मैं संपूर्ण हूँ और मैं अपने आप में सब कुछ ही कर सकता हूँ। नहीं, हम सभी जो दुनिया के अंदर आए हैं, आत्मा जो संबंधों में आई है, उसका कारण ये है, क्योंकि सब कुछ एक आत्मा नहीं कर सकती, इसलिए आत्मा मास्टर सागर कही गई है। सागर नहीं, बाबा ज्ञान का सागर है, हम मास्टर ज्ञान का सागर है, तो बहुत सारे मास्टर ज्ञान के सागर हैं, हरेक का क्षेत्र अलग अलग है, हरेक की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं और वो रहेंगी, यही प्रैक्टिकल बात है। भावुकता में कोई कुछ भी कह दे, है ना, और साइकोलॉजिकली कोई कुछ भी बोल दे, मतलब मोटिवेट करने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है। जैसा कि मैं पहले दिन भी एक एग्जाम्पल दे रहा था कि भाई कोई कितना ही आपको मोटिवेट कर दे, कि जिस मान लो पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें कोई कितना भी मोटिवेट कर दे कि भाई तुम, तो क्या सारे पॉलिटिशियन कभी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते? सोचो, बच्चों को आप मेडिकल के बच्चे सबको कितना भी वो कर दो, क्या सबके सब जाकर के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स बन सकते? नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो मोटिवेशनल क्लिंच है केवल। सत्यता क्या है? आपका जो भी रोल आपको मिले, आप उसको अमर कर दें। एक मूवी में सबको हीरो का रोल नहीं मिल सकता, उसमें एक कॉमेडियन है, एक विलेन है, एक साइड हीरो है। किसी किसी हीरो में, किसी किसी मूवी में देखो, साइड हीरो ये नहीं देखता कि उसके रोल का टाइम कितना है। टाइम उसका 15 मिनट होगा, लेकिन वो 15 मिनट के रोल को 3 घंटे की मूवी पर भारी कर देगा। उसी प्रकार से सवाल ये नहीं है कि आपका रोल कितना है, ये नहीं है कि आपका कर्म क्या है, सवाल ये उस कर्म की क्वालिटी क्या है। मैं तो ज्यादातर जवाब आपको आपके मुरली से मिलेंगे, परंतु ये बहुत अच्छी चीज होती है कि यदि आपसे बड़े हैं, ठीक है, उनके पास आज समय नहीं होगा, फिर कभी समय मिल सकता है, एक बड़े के पास समय नहीं होगा, किसी दूसरे बड़े के पास समय मिल सकता है। और हाँ, ये जरूरी है कि आपने किसी बड़े से एक कर्म पर सलाह ले ली एक बार, बार बार आपको उसी कर्म के लिए सलाह ना लेनी पड़े। तब आपने सलाह का समझा, आपने एक कोई काम के लिए सलाह ली, अब वो सलाह आपको मिल गई और आप उस कर्म को करना सीख गए, अगली बार सेम कर्म के लिए मुझे सलाह लेनी पड़ रही है, इसका मतलब फिर मैं नहीं समझा, मैं नहीं सीखा, वो जरूर ठीक नहीं है, वो डिपेंडेंसी कहलाएगी। इंडिपेंडेंसी का एक ही अर्थ है कि जब मैं किसी भी चीज के बारे में, है ना, बस हाँ जानने के लिए मैंने पूछा, परंतु मैं डिपेंडेंट नहीं हूं। हाँ, डिपेंडेंसी किसको कहा जाता है? जब किसी एक से नहीं, बस इनसे ही पूछना अच्छा लगता है, जिस दिन आप में ये आ गया, बाबा इसके लिए मना करते हैं, ये फेमिलियरिटी होती है। महत्व तो ये है कि हाँ, किसी एक व्यक्ति से आपको ज्यादा अच्छे समाधान मिलते हैं, आप उन समाधान ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दें कि समाधान लेने में कहीं आपका लगाव तो नहीं बनता जा रहा है कोई आत्मा, या वो आप उस व्यक्ति पर आकर्षित तो नहीं होते जा रहे हैं कि नहीं जी इनसे ही अच्छा लगता है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, वो नहीं होना चाहिए। बाकी किसी से सलाह लेना बिल्कुल कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम सब संबंधों में हैं, बाबा भी आपको जवाब देंगे। सभी की बुद्धि एकदम से एक साथ क्लियर नहीं हो सकती, एकदम से ऐसा नहीं हो सकता। ये एक ऐसी चीज नहीं है कि आज आप बाजार गई, आपके घर की सब्जी खत्म हो गई है, आप गए सब्जी जाकर के ले आए, ऐसी चीज तो है नहीं, ये तो अभ्यास की बात है।
अब उतनी क्लैरिटी आपकी बुद्धि में आ जाए, उतना आपका भी योग हो जाए। अब मैं कितना भी मेहनत करूं, लेकिन क्या मैं दादी गुलजार जैसा योग मेरा हो सकता है? अभी कितना अभ्यास किया उन्होंने, वो कितने रजमज गए हैं। तो इस तरह के कंपेरिजन कभी ना करें कि हम कब ऐसे हो जाएंगे। आप अभ्यास हो जाएंगे, अभ्यास करते जाएं, मेहनत करते जाएं, बड़ों की मदद भी लेते जाएं। जब पता आप किसी की मदद लेते हैं तो आप उसकी भी मदद करते हैं। सपोज करो, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप अभी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको पता है कि आप मेरी भी मदद कर रहे हैं। आप मदद ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप मुझे मेरी बुद्धि चलाने में मेहनत करवा रहे हैं। आप मुझे भी उस ज्ञान को समझने में मदद कर रहे हैं। आप मेरा चिंतन चलवाने में मेरी मदद कर रहे हैं। आप मेरे मुख से अच्छे बोल निकलवाने में मेरी मदद कर रहे हैं। आप मेरी सोच को अच्छा बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं। आप मुझसे, मेरे मुख से बार बार बाबा बुलवा करके मुझे बाबा याद दिलाने में मदद कर रहे हैं। इसलिए ये कभी ना सोचें, आप जिनसे सवाल पूछते हैं, आप भी उन्हें उनके जीवन को आगे बढ़ाने में मददगार बनते हैं। तो जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं, ऐसे हम भी किसी से पूछते हैं जब हमें समझ नहीं आता। तो बाबा ये तो कहते, तभी तो ये चक्र है, नहीं तो सारे सारे कर्मों से अलग नहीं हो जाएंगे? जब हमारी सबसे जरूरतें खत्म हो जाएंगी तो फिर संबंध किस बात का रहेगा? संबंध का मतलब ही कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना है, एक दूसरे को कंप्लीट करना है, यही संबंध का आधार है। तो इसीलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है बहन, ऐसा कभी नहीं सोचो। बस ये सोचो, मुरली से तो आंसर मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है जो मुरली से मिल जाए। और चेकिंग करने के लिए, यदि आपको कोई अनुभवी आत्मा मिल रही है, आपके बड़े हैं, दीदियां हैं, दादियां हैं, बड़े भाई हैं, कोई भी है, जहां से आपके जीवन में वो बात मिले और आप आगे बढ़ सके, तो जरूर पूछना चाहिए, इसमें कोई बुरा नहीं। क्लियर है रश्मि बहन? जी भैया। ठीक है, और कोई सवाल? नहीं। ठीक है, अभी और किसी के मन में कोई सवाल? सुधा बहन का हाथ उठा है, सुधा बहन अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया। नहीं, चलिए मोहित भाई पूछना है, मोहित भाई का हाथ उठा हुआ है। यस मोहित भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी, बोलिए। हाँ भाई जी, हम पहले जब पढ़ते थे तो हमें ये बताया जाता था कि लिख लिख के पढ़ो तो बहुत जल्दी याद होगा, तो उसका आज मुझे पहली बार अभ्यास हुआ। आज मैंने अपने आने वाले दिनचर्या की पूरी कहानी लिख दी है। अगर मैं 70-80% भी कंप्लीट कर देता हूँ तो मतलब मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हूँ। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दूसरा एक चीज और है, मन में एक डाउट है मेरे तो है, पता नहीं सबके आता नहीं आता, जब हम कोई गलती करते हैं तो हम वकील बन जाते हैं, और जब सामने वाला गलती करता है तो हम जज बन जाते हैं। उस कंडीशन में क्या करना चाहिए भाई जी? उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो उस कंडीशन को बदल देना चाहिए। आ गया कि मैं दूसरों की गलतियों के समय पर क्या बन रहा हूँ और अपनी गलती में क्या आ रहा हूँ, तो चेंज कर दो, उल्टा कर दो उसका। आपके बाद में आप ये समझो, देखो सिंपल सी बात है, इसका एक बहुत अच्छा तरीका क्या होता है, हमें ये समझना चाहिए कि जो भी इंसान मेरे साथ संबंध में आया है उसका मेरे साथ कर्म का एक रिश्ता है। ठीक है, अच्छा, अब उसका कोई भी कर्म है, वो व्यक्ति अपनी बुद्धि के हिसाब से दी बेस्ट कर रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि वो मेरी बुद्धि के हिसाब से कमियां ज्यादा हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? वो मेरी बुद्धि के हिसाब से गलती हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ एक कर्म है, गलती या सही तो उसे हम जज कर रहे हैं। भाई उसकी बुद्धि के हिसाब सोच के देखो, आप एक क्रिमिनल भी है, वो क्राइम कर रहा है, उसकी बुद्धि के हिसाब से वो राइट कर रहा है या रॉन्ग कर रहा है? राइट कर रहा है, अपनी बुद्धि राइट कर रहा है। उसको उसको उसी में कॉन्फिडेंस है, उसको पता है कर, और आप उससे बात करो, वो आपको 50 कारण बता देगा कि वो किस लिए वो उसका काम जो वो जस्टिफाइड है। तो कहना क्या चाहता हूं मैं यहाँ पे आपसे, कि हर आत्मा अपने मन और बुद्धि और अपने पार्ट के हिसाब से बिल्कुल राइट कर रही है। हाँ, अब मुझे क्या समझना है कि रियल में राइट क्या होगा। तो रियल में राइट के लिए मैं हमेशा, मेरा एक लाइन है, मैंने एक लाइन बनाई हुई है। मेरी लाइन क्या है कि क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं, ठीक, समाज में रहते हैं, तो हमारे लिए सामाजिक और संवैधानिक नियम बनाए गए हैं। तो मुझे सिर्फ ये देखना चाहिए कि जो मेरा कर्म है क्या वो सामाजिक और संवैधानिक नियमों के अंतर्गत है, क्या उस कर्म के परिणाम समाज को सुंदर बनाने में योगदान देंगे। यदि हाँ तो वो कर्म राइट कैटेगरी का है, और यदि ऐसा नहीं है
सामाजिक नियमों की अवहेलना हो रही है। मान लिया मैं रेड लाइट पे गया, मैंने रेड लाइट क्रॉस कर दी क्योंकि और भी क्रॉस कर रहे थे, तो मैंने क्या किया, मैंने सामाजिक और संवैधानिक नियमों की अवहेलना कर व्यवस्था को खराब किया, तो ये मेरा गलत कर्म कहलाएगा चाहे मुझे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो। उसी प्रकार से आपको समझना है कि जो भी इंसान कर्म कर रहा है वो इंसान अपनी समझ अपनी शक्ति के हिसाब से बेस्ट कर रहा है। हो सकता है कि वो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट ना हो, मुझे वो मिस्टेक लग रही हो, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उससे बात करना चाहिए कि दोस्त आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, या मेरे भाई या मेरी बहन या वाइफ जो भी कोई काम कर रहा है उनसे मुझे बात करना चाहिए, प्यार से अकेले में बात करना चाहिए और कहना चाहिए देखिए अगर आप ऐसे काम करेंगे तो इससे ये व्यवस्थाएं मुझे ऐसा लगता है बिगड़ जाएंगी, क्या हम मिल करके इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं, मुझे पता है कि आपने अपने हिसाब से बेस्ट किया है लेकिन आप देखो इसको ऐसा करने से ये कमियां रह जा रही हैं, अगर हम इसको कुछ ऐसा कर लें तो कैसा रहेगा। एक चीज, दूसरी सबसे बड़ी बात याद रखिए, जब भी कोई व्यक्ति गलती करे तो इंसान को गलत मत समझिए, व्यक्ति ने गलती की है, व्यक्ति गलत नहीं है। मतलब पाप से डरो पापी से नहीं, नहीं समझो आप ध्यान से इस बात को ना, पाप खत्म करना है पापी को नहीं करना। तो हम क्या काम करते हैं, कोई इंसान ने चार गलती कर दी ये आदमी बड़ा गलत है ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं, माइंडसेट बना लिया, जबकि गलत इंसान नहीं है, उससे सिर्फ गलती हुई है। सो हमें मिस्टेक्स को राइट करने का अधिकार है लेकिन किसी इंसान के व्यक्तित्व को गलत का सर्टिफिकेट देना हमारा अधिकार नहीं है। सो इसलिए ये समझना है गलती कुछ नहीं होती, सिर्फ हमारे माइंड और दूसरे के माइंड के बीच का गैप होती है। ध्यान समझना मेरे स्टेटमेंट को, गलती कुछ नहीं होती, मेरी रिक्वायरमेंट मेरे माइंडसेट के हिसाब से जो राइट है और सामने वाले की कैपेसिटी ऑफ डूइंग, इन दोनों के बीच का जो गैप है वही गलती और सही को जस्टिफाइड कर रहा है। मतलब वो जो सिक्स मुझे नाइन दिख रहा है और सामने वालों को सिक्स दिख रहा है, सिक्स दिख रहा है, परसेप्शन मात्र है, परसेप्शन। तो इसीलिए हाँ ये हो सकता है कि जो वो काम कर रहा है वो मेरे काम को बिगाड़ रहा हो। सपोज आपका सबऑर्डिनेट है ऑफिस में, अब वो कोई जाकर कोई ऐसी एक्ट कर रहा है कि जिससे कि आपका प्रोजेक्ट हर्ट हो रहा है, वो टाइम पे नहीं आ रहा है, वो टाइम पे चीजें नहीं कर रहा है, ठीक, तो मुझे क्या काम करना है, मुझे समझ आ रहा है कि वो गलती कर रहा है कि वो टाइम पे नहीं आ रहा है, मुझे समझना है कि शायद वो सही से सोच नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा है, तो मुझे यही समझना है। याद रखना प्यारे भाई बहनों, दुनिया में एक ही गलती है हर किसी के बीच, दैट इज द कम्युनिकेशन गैप, मैं क्या चाहता हूं और सामने वाला क्या समझता है, इसके बीच का अंतर ही गलतियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गैप बढ़ा देता है। यस, अगर मैं सामने वाले को जो मैं सोच रहा हूं एग्जैक्टली वैसे बता दूं, जैसे देखो अभी आप सब लोग बैठे हुए हो, जहां भी कोई बैठे हुए हैं, चाहे मुझे YouTube पे सुन रहे चाहे कहीं सुन रहे, आप सबके पास एक फोन होगा जी, ठीक है, तो मैं आप में से किसी एक को मैं बोलता हूं या सबको बोलता हूं, आप कर सकते हो, अपने फोन को उठाओ, ऐसे करके फोन को उठाओ, ठीक, और अपने पास रखी हुई टेबल या चेयर के ऊपर रख दो, रख दो, सबने रख दिया, रख दिया, हाँ आपने रखा, मोहित भाई नहीं रखा, रखो ना, मैंने क्या बोला, फोन को उठाओ, उठा के दूसरे तरफ रखो। अब आपने जैसे ही फोन को रखा, आपने उसको रखा होगा, हो सकता है किसी ने हॉरिजॉन्टल रखा हो, किसी ने वर्टिकल रखा हो, आप सपोज करो कि आपने वर्टिकल रखा अपनी सोच से, लेकिन मेरी सोच चाहती थी उसको हॉरिजॉन्टल, अब मैंने आपसे क्या कहा, केवल मैंने कहा कि फोन को उठाओ रख दो, तो आपने मेरे कहने के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट वही किया जितना मैंने कहा था, बिल्कुल। मैं आपको डांटने लगूं, आपको इतनी अकल भी नहीं है, आपने हॉरिजॉन्टल क्यों रखा, फोन को ऐसे वर्टिकल रखना चाहिए या स्क्रीन की तरफ से रखना चाहिए, वैसे रखना चाहिए, अरे भाई तेरे दिमाग के अंदर कोई कैमरा लग रहा था क्या जो मुझे दिख जाता कि कैसे तुम कैसे देखना चाह रहे हो फोन, तुमने कहा फोन उठाओ रख दो, मैंने रख दिया। इतनी इतनी सी बातों पर ही घर में लड़ाइयां होती हैं। तुमसे मैं तुम्हें इतना भी समझ नहीं था कि कहाँ रखना चाहिए, भाई ठीक है मुझ में जितनी समझ थी मैंने रख दिया, तुम मुझे ये बता देते कि भाई ऐसे करके रखना, ऐसे करके तुम्हें पसंद है तो मैं वैसे रख देता, बात खत्म होगी, भी तो रखना ही था, उतनी एनर्जी मेरी हॉरिजॉन्टल रखने में थी, उतनी वर्टिकल रखने में थी। तो गलतियां कुछ नहीं होती, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप होती है। आप सामने वाले से जो भी काम कराना चाहते हैं, दो बातों को याद रखिए, पहले सामने वाले की सभी क्षमताओं को
नोटिस कीजिए कि उसकी क्षमताएं उस काम को करने में सक्षम है भी या नहीं, पहले उनका आकलन कीजिए, फिर पूरा कम्युनिकेट कीजिए, जो भी आप उनको काम सौंप रहे हैं उसको प्रॉपर कम्युनिकेट कीजिए, और तीसरा फिर चेक कीजिए कि जो आपने कम्युनिकेट किया है क्या सामने वाले ने वही समझा है। ध्यान से समझिए मेरी बात, सामने वाले की क्षमताओं को जानकर सही कम्युनिकेट करके और रीचेक करके जब भी आप कोई काम सौंपोगे गलतियां मिनिमाइज हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। ओके मोहित भाई, अभी ममता बहन अपने को अनम्यूट करो, आपने भी हाथ उठाया है। ममता बहन अनम्यूट करो, कुछ पूछना है तो। ममता बहन का फोन अनम्यूट पता नहीं क्यों नहीं होता। चलिए तो लोपा बहन का हम करते हैं, लोपा बहन आप अपने को अनम्यूट करो। ओम शांति भाई जी। भाई जी कल का जो स्लोगन था, फरिश्ता वो है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है, इसको थोड़ा समझाइए मुझे। देह के सूक्ष्म अभिमान अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। देह के सूक्ष्म अभिमान क्या होता है? अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपने गुणों का अभिमान, अपनी प्राप्तियों का अभिमान। मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत, मेरे अंदर बहुत प्यार है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, ये देह के सूक्ष्म अभिमान होते हैं, ठीक है। तो फरिश्ता क्या होता है? वो इन चीजों में नहीं आता। फरिश्ता कभी भी, फरिश्ता अर्थात जिसका देह के किसी भी चीज से रिश्ता ना हो, जिसका देह से कोई रिश्ता ही ना हो, है ना। देह से कोई रिश्ता ना होने का मतलब क्या है? देह के सेंसेस से रिश्ता ना हो, उसे कहते हैं फरिश्ता, ठीक है। तो सूक्ष्म, अब देह के दो तरह के अभिमान होते हैं, एक तो होता है बॉडी कॉन्शियसनेस, पूरी बॉडी का मतलब एकदम से ईगो जिसको हम बोलते हैं, है ना, जैसे मैं कितना सुंदर लग रहा हूं, बॉडी की मेरा फेस मतलब मैं अपने अपने को बॉडी ही समझना, ये चेहरे को अपना समझना, शीशे में देख करके ये मैं आज मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ, मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ, सोचो शीशे में देख कर आप ये कहते हो मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ, मतलब क्या है? आप क्या समझ रहे हो खुद को? चेहरा समझ रहे हो, है ना। मेरी क्वालिफिकेशन बहुत हाईएस्ट है, आप पता है मैं आई एम आईएस, आई एम दिस, पोजिशनल अभिमान, ये हो गया थोड़ा हायर सुपीरियर लेवल ऑफ अभिमान, विकारी अभिमान जिसमें बेसिकली हम बोलेंगे। तो ये भी नहीं होना चाहिए फरिश्ते में, ये तो मतलब ही नहीं, उसको फरिश्ता कभी बन नहीं सकता, तो इंसान भी नहीं बन सकता सही ढंग से, सही बात पूछो ब्राह्मण भी नहीं बन सकता। दूसरा अभिमान क्या होता है, है ना, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत साहसी हूँ, और ये इसका इसका वो होना अंदर में, ये फीलिंग में आना, आप पता है कि मैं इतने समय से ज्ञान हूँ, मेरा योग बहुत अच्छा है, मेरी बुद्धि बहुत शार्प है, इस तरह के अपने गुणों का अभिमान होना, अपनी शक्तियों का अभिमान होना, अपने योग का अभिमान होना, अपने ज्ञान का अभिमान होना, ये सूक्ष्म अभिमान है। तो जब ये सूक्ष्म अभिमान हमारी बुद्धि से निकल जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, ये प्रभु देन है, बाबा हमेशा बोलते हैं बच्चे गुण भी क्या है आपको, प्रभु देन है, शक्तियां भी क्या है आपको, प्रभु देन है। अगर बाबा ना आता, आप बताओ क्या आपको आपका खुद का परिचय भी मिलता कि आप आत्मा हो? और जब तक आपको खुद का परिचय नहीं मिलता तो आपको कैसे पता चलता कि आप गुणों से बनी हुई हो और आप शक्तिशाली हो? बाबा ना आता, स्वमान ना जगाता तो कैसे पता चलता? तो सब कुछ किसका देन है? प्रभु की देन है। तो बाबा यही कहते हैं सूक्ष्म अभिमान समाप्त हो गया तो ऐसा फरिश्ता बोलता।